नमस्कार किसान भाइयों, आपका प्रेम खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जनपद शाहजहाँपुर में हैं और ये ब्लॉक भावलखेड़ा पड़ता है और यहाँ ये हमारा कार्य क्षेत्र है और यहाँ पर हम खेतों का सर्वे कर रहे थे इस समय। और ये गांव पड़ता है ग्राम पंचायत पींग, ये पींग की गांव का ही एक मजरा लगता है जिसका नाम है मटैना करके नाम है। और यहाँ पर सब किसान भाई थे तो हम यहाँ पर रुके और एक इन किसान भाइयों की भी समस्या है और ज़्यादातर कोई भी किसान जो पूरे भारत में कहीं भी होंगे तो उनकी एक समस्या रहती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक समस्या रहती है तो उसमें अक्सर लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है कि हमें है जो किस तरीके से उसमें काम करना है और हमें किस तरीके से हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो इसमें तो दो चीज़ें होती हैं, इसका लाभ है जो वही किसान ले सकते हैं जिनकी ज़मीन खरीदी हो तो 2019 से पहले खरीदी हो, या जिनके पिताजी ख़त्म हो गए हैं तो उनके बच्चों के नाम ज़मीन गई है, जिनका विरासत से नाम चढ़ा हुआ है वही किसान है जो इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसमें लाभ लेने के लिए पहले खतौनी में नाम दर्ज होना, सबसे पहले खतौनी में नाम हमारा होना चाहिए, फिर हम जनसेवा केंद्र से उस खतौनी को अपलोड कराते हैं, ऑनलाइन कराते हैं फार्म को। आधार लगेगा आपका, खतौनी आपने है जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन करने के बाद में फिर एक उसका कागज निकलेगा, वो कागज लेकर के आप खतौनी और उसका आधार लेख पाल के उस पर साइन करवाओगे। आप साइन करवाने के बाद में फिर तहसील से वेरीफाई करवाना है, जहाँ कंप्यूटर कक्ष बना हुआ है तहसील में वहाँ से उसको वेरीफाई करवाओगे, तहसील की लॉगिन से वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर एक जनसेवा केंद्र से कागज निकलवाओगे आप, जनसेवा केंद्र से कागज निकलवाओगे तो उसमें लिख के आ जाएगा वेरीफाई, वेरीफाई लिख के आ जाएगा, फिर वो वेरीफाई वाला कागज और आपकी खतौनी, आपका आधार, आपकी बैंक की किताब, और जैसे पिताजी ख़त्म हो गए थे तो उनका मृत्यु सर्टिफिकेट और उनका है जो आधार, जैसे सम्मान निधि हो सकता है पिताजी आपके पास हो और तो उनका आधार भी लगेगा। और जो फार्म भर रहा है जैसे शादीशुदा कोई व्यक्ति है तो उसकी पत्नी का भी आधार लगेगा, जैसे बहुत से लड़के हैं उनकी शादी नहीं हो पाई थी तो उनका अविवाहित प्रमाण पत्र लगेगा, प्रधान जी लिख करके दे देंगे कि हम उनकी शादी नहीं हुई है तो उनका अविवाहित प्रमाण पत्र लग जाएगा साथ में, मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी पत्नी की सम्मान पे आती है नहीं आती, क्योंकि पति पत्नी में से एक लोगों को ही मिलना है लाभ। तो ये इतने कागज आप है जो भर करके एक फार्म भरा जाएगा, वहाँ कृषि विभाग में आप जमा करेंगे तो यहाँ से वेरीफाई कर दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और रहती है, जैसे जिन किसान भाइयों के पिताजी की ज़मीन आपके नाम आई है तो हो सकता है पिताजी की सम्मान निधि आती हो पहले, तो उसमें मरने के बाद उनके खाते में कोई पैसा आया है तो वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, जब वो पैसा आप वापस कर दोगे तभी आपका वेरीफाई होगा, नहीं तो आपका फिर कैंसिल हो जाएगा। अगर इस तरीके का हो तो आप पैसा जमा कर दीजिए, उसके बाद पंची को लगा दीजिएगा आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद फिर स्टेट लेवल पे चला जाएगा, स्टेट लेवल अपना है अपना उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी है, तो वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, फिर सीधे भारत सरकार से आएगा, आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और ये कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम आज करेंगे कि लोग सोचते हैं कि हमारे पुराने पैसे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज आपका नाम लगा है तो आपको आज से आगे की किस्तें मिलेंगी, पीछे नहीं मिलेंगी। लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं बहुत से लोग, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है, जब से जुड़ोगे तभी से आपको मिलेगा। तो इस तरीके से है जो आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और योजनाओं की जानकारी भी देते रहते हैं, जैसे इस सम्मान निधि के अलावा बहुत सी चलती है, जैसे बीज मिल जाता है आपको, कृषि यंत्र मिल जाता है, सोलर पैनल से सिंचाई वाला आता है वो भी, उसका भी लाभ ले सकते हैं आप लोग, और स्प्रे वाली मशीन सबको जरूरत पड़ती है, जारा काटने वाली मशीन जरूरत पड़ती है, बीज की जरूरत पड़ती है, तो ये सब है जो इसी पंजीकरण पर ही मिल जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन होने से आपके कितने फायदे हो जाएंगे तो आप लोग कराइएगा, कोई दिक्कत हो हमारा नंबर हमने आपको दे दिया है तो आप संपर्क करिएगा हमसे और सभी लोग उसका लाभ लीजिएगा। अब देखो हम लोग यहाँ पर आए तो मुलाकात हो गई हम लोगों से, और ये देखो गांव है, गांव की देखो किस सुंदरता होती है, लोग शहरों में रहते हैं वहाँ कोई दवा भी नहीं मिलती, ये सब देखो गाँव के लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।